स्थानीय गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश पूरा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान सरदार हरचरण सिंह भाटिया ने बताया कि प्रकाश पूरब के अवसर पर शुक्रवार रात्रि और शनिवार सुबह गुरमत समागम का आयोजन हुआ, जिसमें दरबार साहिब अमृतसर से आए हजूरी रागी भाई सुखजीत सिंह जी, सभा के हजूरी रागी ज्ञानी पवन सिंह जी एवं परमित सिंह भाटिया ने अपने ओजस्वी वाणी से संगत को निहाल किया। सभा के सेक्रेटरी सरदार कमलजीत सिंह गांधी ने बताया कि सिखों के पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने सन 1604 ईस्वी में आज ही के दिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपादन करवा के मानवता को पावन ग्रंथ बख्शिश किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में मात्र सिख गुरुओं के उपदेश ही नहीं वरन 30 अन्य संतों और अलग धर्म के मुस्लिम भक्तों की वाणी भी सम्मिलित है। इसमें जहां जयदेव जी और परमानंद जी जैसे ब्राह्मण भक्तों की वाणी है, वहीं जाति पाति के आत्महंता भेदभाव से ग्रस्त तत्कालीन हिंदू समाज में हे समझे जाने वाली जातियों के प्रतिनिधि दिव्य आत्माओं जैसे कबीर, रविदास, नामदेव, सेंट जी, सघना जी, शिवाजी, धन्ना जी की वाणी भी सम्मिलित है। पांचों वक्त नमाज पढ़ने में विश्वास रखने वाले शेख बाबा फरीद के श्लोक भी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। अपनी भाषाई अभिव्यक्ति दर्शनिकता संदेश की दृष्टि से गुरु ग्रंथ साहिब अद्वितीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। आज क्या प्रोग्राम आयोजित हुआ है गुरुद्वारा साहब में? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हमारे गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश उत्सव मनाया गया। इसके उपलक्ष्य में परसों दिन से माँ जसूवीर जी के द्वारा, गुरमीत कौर के द्वारा अखंड पाठ रखाया गया जो आज उसकी समाप्ति हुई है, और इसकी सत्संग द्वारा आज 44 सहज पाठों की समाप्ति हुई जो कि अपने आप में बहुत बहुत बड़ा कदम है और सब संगत गुरु घर से जुड़ी है। उसके बाद में आज कीर्तन हुआ, नीचे के हाल में लंगर भी हुआ, लंगर की व्यवस्था भी इसी सत्संग के द्वारा की गई। आज जिस भी संगत ने गुरु महाराज जी के
सहज पाठ में हिस्सा लिया है। सब संगतों को गुरु महाराज जी सुख समृद्धि नाम की दात चढ़ती कला की दात बख्शिश करें। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज गुरुद्वारा साहब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसके निमित्त आज गुरुद्वारा साहब में सुबह अखंड पाठ साहब का समापन हुआ। उसके पश्चात स्त्री सत्संग जत्थे द्वारा 44 सहज पाठ साहब पाठों का समापन हुआ। कीर्तन दरबार सजाया गया। उसके बाद आज लंगर का आयोजन हुआ है। जिस बरसते पानी में गुरबाणी की अमृत रूपी वर्षा हुई है। मैं आज प्रकाश पर्व की समूह संगत को लाख लाख बधाइयां देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।